आज हम बहुत ही आसान रेसिपी से ये फ्रूट कस्टर्ड बनाएंगे। ये गर्मियों के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। तो सबसे पहले हम लेंगे कस्टर्ड पाउडर 2 बड़े चम्मच। इसमें हम मिलाएंगे दूध। तो यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ले रही हूँ मैं, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा। इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर बने और इसमें लम्स ना हो। अच्छी तरह मिक्स करके इसको अलग रखते हैं। अब एक कढ़ाई में डालेंगे दूध, यहाँ पे 1/2 लीटर दूध ले रही हूँ मैं। इसको हम लगातार चलाते हुए बॉईल करेंगे धीमी आंच पर। अब ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है तो इस पे हम डाल देते हैं ये कस्टर्ड मिक्सचर। जब आप इसको डालें तो ये ध्यान रखें आप कि गैस बिल्कुल धीमी हो और इसको लगातार चलाते रहें ताकि इसमें भी गांठे ना पड़े। स्मूथ मिक्सचर बन गया है हमारा। इसमें हम चीनी डाल देते हैं 1/2 कटोरी। चीनी आप अपने चॉइस से थोड़े कम भी ले सकते हैं अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो। चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाती है इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड जो है आप देख रहे हैं थोड़ा पतला हो जाता है, तो इसको एक बोल में निकाल देते हैं और ठंडा होने देंगे। बस 5 मिनट में ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने पर आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा थिक और क्रीमी हो जाता है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब फ्रूट्स मिला देते हैं। केला डाला है मैंने यहाँ पे, एक आम, थोड़ा अंगूर, सेब और थोड़े से अनार के दाने। तो अपनी चॉइस के आप कोई भी फल इसमें डालें, जितने ज़्यादा इसमें फ्रूट्स होते हैं ये उतना ही बढ़िया लगता है। बस एक बढ़िया सा मिक्स देते हैं और इसको आप जितना ठंडा सर्व करें उतना ही अच्छा लगता है। तो ये क्रीमी कस्टर्ड आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर सर्व करें। तो ये सिंपल सी रेसिपी है, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ की सारी अपडेट आपको फटाफट से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।